So hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you are doing your 55. The part 3 video da mandali series lo. Au baba berati not island au mall road ko astu. Rotak pass ru ame eta lo. Atra en dio asi pahunchilu. Mandali re. Kai na sabus lo slow rastu lo roi roi dekhi dekhi astu lo. Late gela tapra asi pahunchilu. To abe ki rung jai ki press jai ki ni. Gaadi return kari ni. बुलाबुली करा मल रोडटा कहीं कल तो प्लां कौन हम कौन नहीं कि डिसाइड है मल रोडटा टी बुला बुला कल आप कंटिन्यू कर ब्लग टाक मल रोडटा देखिए कौन अच्छे कहीं सकाल आसती सकाल किसी तो दुकान खुल ना तो अब मल रोड में बुलचु गली पूरा कमी गला कहीं रात 10 बंद हो जाए कि लोक गली अच्छा कौन कौटे देख गोटे भल होटेल देखे तो समस्त डिनर नवार अच्छे तो भल दुकान देखिए जा भल दुकान तो कौन देखिए गोटे देखा सुंदर से देखा जावाक पड़ो कहीं जस्ट जानने कार के कौन थी तो दुकान जा देखो अपडेट कर बड़ कष्ट गोटे दुकान मिलला से सब सरासरी आइटम अच्छी चिकेन तावा बटर चिकेन कड़ाई चिकेन यह सब थोड़ी ये गले डिनर फिनर हम दे कौन हम कल कौन नहीं से प्लानिंग कर सका स्टार्ट कर ब्लॉग गुड मॉर्निंग दिस इज द नेक्स्ट डे तो ये आम जस्ट उठ रिफ्रेश बाहलु तो सका प्लां थी कि कुल्लू जावाई तो कुल्लू न जा भाविल कि मनाली आम ठीक से बुलू तो मनाली बुलाबूली करूँ एवं जस्ट टे एक्सप्लोर करूँ तापर बाहर की आउटी पर कुल्लू जीव तो कुल्लू कुल्लू गलापर से कौन प्लां करूँ कौन नहीं तो मेरे साथ मेरा भाई गोपाल है हाँ भाई Hi. और बताओ क्या चल रहा है क्या प्लान बस है? मनाली से कुल्लू के लिए निकल रहे हैं अभी माल रोड की तरफ जा रहे हैं हम लोग देखते हैं माल रोड का क्या क्या नज़ारे हैं शाम को तो हमें कम टाइम मिल पाया था यहाँ पे घूमने के लिए लेकिन माल रोड का अच्छा खासा मार्केट है और वही देखते हैं अभी क्या क्या है जगह हम देखें पर्यटक की स्थिति से तो अच्छा जगह है सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग आइए और हिमाचल की वादियों में लुप्त उठाइए जब भी मौका मिले हाँ ये सामने आपको जो दिख रहा है हरा भरा पहाड़ बहुत सही लग रहा है हम जो मंदिर कहते हैं हिडिंबा टेंपल कहते हैं हिडिंबा टेंपल के ऊपर का ही ये टोटल एरिया है ये वाला क्या हाँ अच्छा एरिया है हिडिंबा टेंपल के ऊपर वाला हाँ हाँ पता नहीं चल पा रहा था उसमें लाइट भी नहीं था उधर देखो बर्फ दिख रहा है ये देखो बर्फ का पहाड़ है हमारा कैमरे में आ रहा है नीरान पहाड़ है शायद क्लियर नहीं आ रहा अभी ये माल रोड का कनेक्टिंग रोड है अभी तो माल रोड की तरफ चलते हैं हम लोग बाकी सारे आ जाते हैं फिर चलते हैं ठीक है तो अभी उसके बारे में बोला था उसमें क्या है कि हम लोगों ने कल नाइट में ये देखा था क्योंकि नाइट में तो ब्लॉग खत्म कर देता वो वाला ब्लॉग तो हमने ये देखा था कि जो जो पेड़ दिख रहा है ना मतलब बाहर से दिख रहा है यहाँ से पतला पतला होगा ये वो लेकिन वहाँ पे इतना मतलब इतना बड़ा होगा अगर चार लोग ऐसे हाथ करके मिलाएंगे तभी भी नहीं पकड़ पाएगा चार लोग के तो नहीं आएगा और बहुत मोटा है और करीब 1000-2000 साल पुराना पेड़ है ऐसा ऐसा पेड़ है जो कि बहुत पुराना है और जो हम हिडिंबा टेम्पल गए थे उसका इतिहास ये है कि जब पांडव महाभारत कालीन इतिहास है उसका आगे चलते हैं चलो आगे चलो महाभारत कालीन इतिहास है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो अज्ञातवास के समय वहाँ जो पांडव अपनी माता कुंती के साथ में वहाँ पे मतलब कुंती के साथ में नहीं वहाँ जो पांडव अज्ञातवास में वहाँ पे आए हुए थे भाई कुछ भी करो ट्रैफिक बहुत है आपको सारे टूरिस्ट मिलेंगे आपको हिडिंबा और हिडिंबा का एक भाई था हिडिंब वो दोनों जंगल में रहते थे ललकारा तो भीम ने जब युद्ध किया तो एक दोनों का विवाह हुआ इनका तो एक शर्त पे विवाह हुआ था कि जब तक मेरे संतान प्राप्त होगी तब तक भीम यहीं हिडिंबा के साथ रहेगा तो हिडिंबा के घटोत्कच पैदा हुआ घटोत्कच पैदा होने के एक साल के अंदर घटोत्कच पैदा हुआ उसके बाद में भीम अपने भाइयों के पास में वापस पहुंच गए और वही भीम का पुत्र घटोत्कच महाभारत में एक अहम किरदार निभाया था अहम किरदार निभाया था जिसमें जो अमोघ शक्ति थी जो कर्ण को उसके सूर्यदेव के द्वारा मिली हुई थी इंद्रदेव ने जब कवच कुंडल वापस लिए थे तो एक अचूक मार दिया था
और वही अचूक मानव के द्वारा घटोत्कच का मृत्यु हुई थी, जिससे अर्जुन से बच गया था। अदरवाइज वो महाभारत की कथा बहुत लंबी कथा है, उसको हम इतने शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये देख रहे हो ये कितना घना जंगल है, देवदार के पेड़ है और पहाड़ों पे मोस्टली देवदार, चीड़, सागौन, ये सब अच्छे अच्छे जो महंगे पेड़ हैं। और यहाँ पे ये भी बहुत सस्ता है। ये देखो हमारा माल रोड है, कितना नज़ारे दिखाइए। कोई नहीं, चलेंगे आगे चलेंगे। ये माल रोड है और ये मनाली का फेमस स्पॉट है। कोई भी आता है इस जगह को पहले जानता होगा, कोई भी हो और कोई जगह जानता हो या ना जानता हो, लेकिन इस जगह को सब जानते हैं। हिमाचल की खूबसूरती भी है मनाली। हाँ ये तो बात है, अगर कल आपने जो नज़ारे देखे भाई। और यहाँ पे हम लोग दो दो जैकेट पहन के भी देखो हमको ठंडा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गर्मी आती है कभी कभी। कुछ लोग हैं टॉप में ही निकल आते हैं तो उनको गर्मी नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं लगता है, बस फैशन के लिए। अरे वो बात अलग है, छोटा कल पता है कल हमने जो पहना था, तो अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, चलो देखते हैं ऊपर ही चलेंगे। तो अभी हमारा बंद करते हैं। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत, अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आनी है ना। तो जूस पियो इंशाल्लाह, तो जूस पियो वाइलू तो अच्छी होटल से देख ली हूँ। प्राइस तो मैंने अभी अच्छी नॉर्मली कोई दुकान को गले भी जूस का जो खाउची प्राइस था उसका फुलटा खाउची 50 रुपीज मतलब 40 रुपीज मैक्सिमम 50 था। अब इनको एक देख लिया दिखाऊ जे रेटा होती हमार 60 80 रुपीज हाफ्टा होती 80 आउ फुलटा तो आउ कितने थी ओके ना पता नहीं, तो जिनकी रेट नो दिन से हिसाब से कर लेंगे कितने हो गए। ठीक है और बाकी कुछ डाला नहीं है लेकिन बट सिंपल है ठीक है, लेकिन प्राइस के हिसाब से बस। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତ ଦେଖିଲି ଏଠି ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସବୁ ନିଜେ ବସି ସବୁ ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ମାନେ ନେମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାକି କ'ଣ ବାହାଘର ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଦରକାର କି କାହାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସବୁ ଯାହା ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ବସି ଆଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ମାନେ ସେଇଟା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମାନେ ତୁ ଆଡ୍ କରେ କେତେ ବହୁତ ହେଇକରେ ମତଲବ ହର ଜାଗା ଦେଖ ରେ କି ମତଲବ ବନ୍ଦେ କରେ ସାରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବହୁତ ସହି ହେଇ ଲୋକ ମତଲବ କମ୍ ଟାଇମ୍ ମେ लेकिन प्रैक्टिस भी इतना किया होगा ना, इतना प्रैक्टिस करके ही इतना कम टाइम में बना रहे हैं, बहुत सही बना रहे हैं। और अभिजीत भाई ने भी एक दो चीज़ लिया, अभिलाष ने लिया, बहुत मतलब बहुत सही बना रहे हैं यार। शिशु में है क्या, मेरा तो दिमाग खराब हो गया उस शिशु में। क्या शिशु में अभी इस टाइम पर जब बर्फबारी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अरे गूगल धोखा दे दिया हमें, बात यह है गूगल में लिखा है बारिश मतलब स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ जमा हुआ है सब कुछ ये वो, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कुछ नहीं मिला। इससे अच्छा रोहतांग में हमारा वो रोहतांग ला में बहुत कुछ तो जा ही सकते थे। अच्छा एटा का एटा तो एटा मनाली तो गवर्नमेंट बस स्टैंड था, तो सब जगह आसल आमर आसला पर खाया खाई देन कौन प्लान कर रूम चेकआउट कर सब पल आसे आम विषय में कह गए आप डायरेक्ट जो बस स्टैंड यहीटा तो आम गवर्नमेंट बस स्टैंड जो अन्य बस जो लोकल बस मैंने जो प्राइवेट बस आज से आस गए जगह बस हो तो आपको बहुत लोक मिल जाए होटेल रूम पर मैंने
ସବୁ ଡାକିବେ ତମକୁ ସେଇ ଜାଗା ନ ଯାଇକି ତମେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ମଲ୍ ରୋଡ଼ ଆଡ଼େ ଆସିବାନି, ମଲ୍ ରୋଡ଼ ସେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ, ତ ସେ ଜାଗା ନାଁଟା କ'ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆକ୍ଚୁଲି, ମୁଁ ପଚାରିକି ମୁଁ କହିଦେବି ଜାଗା ନାଁଟା, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଚୁଲି ଆସିକି ପଚାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ପଚାରି କରିଦେବି ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ, ଦେନ୍ ରୁମ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରବଳ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପାଖକୁ ଯିବେ ତ ରେଟ୍ର ଭେରିଏସନ୍ ଆସିବ, ତାପରେ ରୁମ୍ କୋଡ଼ା ଦେଖି ଚୁଜ୍ କରିକି ରହିପାରିବେ ଏଠି, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କିଏ ଡାକିଲେ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇବେ ତ ଆପଣ ପଇସା ଲସ୍ ହିଁ ହେବ, ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। 'Cause I love you for infinity।